मोमिन कॉन्फ्रेंस के अहया के लिए पिछले दिनों बॉम्बे से कुछ अफराद तशरीफ लाए थे, उन लोगों के साथ शहरियों की कुछ गुफ्तगू हुई और एक एडहॉक कमेटी तश्कील पाई। तकरीबन डेढ़ पौने दो महीने से अहया कमेटी एडहॉक कमेटी के लोग कोशिश कर रहे हैं हर जाविये से, और इनकी कोशिशों का नतीजा ये है कि 23 सितंबर बरोज़ जुमा शाम में 5 बजे से 9 बजे तक जेटी गर्ल्स हाई स्कूल में अहमद सरदार हॉल में इसका कयाम अमल में आ रहा है। वहाँ एक इजलास हो रहा है जिसमें ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के कौमी सतह के जो जिम्मेदारान हैं, इसके कौमी सदर एडवोकेट फिरोज़ साहब, उनके साथ अख्तर हुसैन अख्तर साहब, बम्बई से महाराष्ट्र लेवल की जो मोमिन कॉन्फ्रेंस की कमेटी है उसके सदर, औरंगाबाद से मतीन साहब मतीन अंसारी साहब, भिवंडी से परवेज अंसारी साहब मुशीर अंसारी साहब, बम्बई से परवेज अंसारी साहब और मुशीर अंसारी साहब, ये जनरल सेक्रेटरी हैं परवेज अंसारी साहब, हाँ परवेज साहब ये जनरल सेक्रेटरी हैं और वो भी खुद तशरीफ ला रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो हमारे मुसलसल रबते में हैं। तो इंशाल्लाह ये एक अजलास जो होगा वो नहायत समर आवर साबित होगा, और कोशिश हम लोगों की ये है कि इस अजलास से पहले पहले बाकायदा एक कमेटी तश्कील पा जाए, मजलिस शोरा के तौर पर कहें, मजलिस आमला के तौर पर कहें, एक कमेटी तश्कील पा जाए, ऐसी हम लोगों की कोशिश है। मैं अहलियाने शहर से, तमाम बिरादरियों से और ख़ास तौर पर मोमिन बिरादरी से मैं पुरखलूस गुजारिश करता हूँ कि 23 तारीख बरोज़ जुमा जेटी में जो इजलास मुनाकिद हो रहा है 5 बजे से, उसमें ज़्यादा बड़ी से बड़ी तादाद में लोग शिरकत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें, न सिर्फ इस इजलास को कामयाब बनाएं बल्कि आगे के लिए भी इस ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस को तकवीत पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है, हर किस्म का यहां पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।